फ्रेंड्स, गति के थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है और ये रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बेहतर लग रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो। मगर फ्रेंड, इस बार कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है उसकी सब्सिडियरी की वजह से। इस वजह से एक एक्सेप्शनल आइटम हो जाने के कारण इस बार कंपनी को लॉस दर्ज करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, पहले इसके कॉन्सोलिडेट रिजल्ट को देखते हैं, फिर सेगमेंट वाइज रिजल्ट में हमें क्लियरली बिजनेस का पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पिछले साल 443 करोड़ के आसपास की सेल थी, वो इस साल 400 करोड़ रही है। और हम खर्च निकाल दें तो आप यहाँ देख सकते हो, जो 5.25 करोड़ के आसपास पिछले साल लॉस था, वो इस बार 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया है, यानी कि 486 लाख। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ऑपरेटिंग फ्रंट पर तो ये रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले थोड़े बेहतर दिखाई दे रहे हैं, मगर इसके सेगमेंट वाइज रिजल्ट को हम एनालिसिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फ्रेंड, एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन में आप देख सकते हो, जो पिछले साल 344 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, वो इस साल हल्की सी गिरावट के साथ 331 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और इसके अलावा फ्यूल स्टेशन में जो 70 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पिछले साल जनरेट किया था, वो 69 करोड़ आया है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल रेवेन्यू में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट सेगमेंट वाइज अगर देखें तो एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन से पिछले साल 6.25 करोड़ कमाया था, वो इस साल 13 करोड़, यानी कि प्रॉफिट 2 गुना हो गया है इस सेगमेंट में, जो कि कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट है। और फ्यूल स्टेशन में पिछले साल से हल्का सा प्रॉफिट में गिरावट आई है, मगर आप यह फाइनेंस कॉस्ट और एक्सेप्शनल आइटम में देख सकते हो, जो फाइनेंस कॉस्ट 10 करोड़ और 20 करोड़ एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी को लॉस दर्ज करना पड़ा है। और फ्रेंड, इस शेयर में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं ऊपर के भाव पर, तो अगर आपको ऊपर के भाव जब भी मिल जाए तो इस शेयर से एग्जिट लेना मुझे बेहतर लगता है, क्योंकि मुझे यह कंपनी साल दर साल 20-25% की ग्रोथ दिखाई, ऐसी एबिलिटी इस कंपनी में नहीं दिखाई दे रही। तो आपको इस यहाँ से एग्जिट ले लेना ही बेहतर होगा अगले आने वाले दिनों में।